स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र पर महिला नर्स और फार्मासिस्ट डिलीवरी चार्ज के साथ साथ दवा के नाम पर भोले भाले लोगों से सुविधा शुल्क मांगते हैं, और जब पीड़ित महिला और उसके परिजन उसका विरोध करते हैं तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। बताया जा रहा है कि कई बार इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से की गई और लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आगरा से बड़ी खबर, जहां डिलीवरी और दवा के लिए सुविधा शुल्क के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया है और जब पैसे नहीं दिए जाते तो बदसलूकी की जाती है। आगरा से राजकुमार जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। राजकुमार, ये आखिर हो क्या रहा है इन स्वास्थ्य केंद्रों पर, सुविधा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है? ठीक है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है, लेकिन जो तैनात सीएससी पर डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं एनएम है, जो नर्स हैं, वो भी अवैध वसूली में लिप्त पाई जाती है, क्योंकि डिलीवरी के नाम पर जो वसूली हो रही है वो आज से नहीं, कई महीनों। लेकिन राजकुमार, क्या वजह है कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के कान पर जू नहीं रेंगती, कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई, जबकि शिकायतें कई जा चुकी हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि शिकायतें लगातार स्वास्थ्य केंद्र की होती रहती हैं और ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम जो सीएमओ हैं उनके द्वारा नहीं उठाया जाता है। जब तक ठोस कदम ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ नहीं उठाया जाएगा, तब तक ये अवैध वसूली नहीं रुकेगी। लेकिन ये कोई आज का मामला नहीं राजकुमार, ये एक पुराना मामला है, क्योंकि शिकायतें कई जा चुकी हैं। ये तो एक ताजा मामला है जो इंडिया वॉइस ने इसे उठा दिया। सीएमओ का क्या कहना है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, सीएमओ का अभी वर्जन नहीं आया है, सीएमओ से बात हुई है, कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन लीपापोती ऐसे मामलों में कर दी जाती है और कहीं ना कहीं कानून इतना लचीला है कि जिस तरीके से ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और इसमें आम जनता पिस रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिलीवरी और दवा के नाम पर पैसे मांगने का मामला है, सुविधा शुल्क के नाम पर यह वसूली की जा रही है और इस अवैध वसूली में कोई और नहीं, स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी अफसर इसके अंदर शामिल हैं। शिकायतें कई बार की गई लेकिन जो कान पर जू नहीं रहेंगी अफसरों की, और कोई भी इस पूरे मामले पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।